हाय गाइस, नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए फिर से कचौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ और इस बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ फूली फूली प्याज की कचौड़ी की रेसिपी। इसे बनाना बिल्कुल ही इजी है, जैसे कि बाकी कचौड़ियाँ बनती हैं, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कचौड़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार कर लेना है। डो के लिए हमें लेना है मैदा। मैदा मैंने यहाँ 5 कप लिया है और मेरे कप की कैपेसिटी है 250 ml। मैदा ऐड करने के बाद हम लेंगे अजवाइन 1 छोटी चम्मच, इसे हम क्रश कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। अब हम लेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, या आप स्वादानुसार भी ले सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हमें लेना है ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और ऑयल ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मसल मसल करके मोयन देना है। मैंने तेल को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मोयन हमारा लग चुका है। अगर हम इसकी मुट्ठी बांध करके देखेंगे तो हमारे मैदे की आसानी से मुठिया बन जाएगी, मतलब हमारा तेल मैदे में बिल्कुल सही गया है, इसका मोयन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। अब हमें मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करना है इसका। डो हमारा लग चुका है और इसे मैंने अच्छी तरह से गूंध लिया है। अब हमें डो को करना कुछ नहीं है, इसे बस रेस्ट होने देना है कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। इसे रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने चूल्हे पर चढ़ा रखा है बड़ी सी कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई ली हुई है मैंने। और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, और तेल के गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें हमारे मसालों को थोड़ा सा भून लेना है। प्याज हमारा हल्का भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया, या आप इसके जगह धनिए की दाल भी ले सकते हैं अगर आपको इसकी स्किन पसंद नहीं है तो। अब हमें इसमें डालना है 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, ये दरदरा कुटा हुआ सौंफ का पाउडर है। और सौंफ का पाउडर ऐड करने के बाद हमें इसमें डालना है 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, इसका पाउडर। अब हमें इसमें डालना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब इसमें डाल दें 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब डालें चिली फ्लेक्स स्वादानुसार, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैं यहाँ 2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद डालें कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है बेसन 3 टीस्पून, क्योंकि मैंने यहाँ कच्चा बेसन लिया हुआ है इसीलिए इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर आप भुना हुआ बेसन लें तो ज़रूरी नहीं है इसे भूनना। बेसन भुन जाने के बाद हमें इसमें डालना है आलू, 3 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने उबाल लिया है और सफ़ेद आलू लिया है मैंने यहाँ। इसे अच्छी तरह से मैश करके इसमें डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक इसे भून लें। अब इसमें डाल दें स्वादानुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद हमें इसमें डालना है हमारे बारीक कटे हुए प्याज या रफली कटे हुए प्याज। मैंने 12 छोटे साइज़ के प्याज को काट लिया है। प्याज ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज मिक्स कर लेने के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून चीनी। मैंने यहाँ खाड़ वाली चीनी यूज़ की हुई है इसीलिए ये पाउडर जैसे दिखाई दे रही है, ये नमक नहीं है, ये चीनी ही है।
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा प्याज कैरामलाइज नहीं हो जाता है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फिलिंग तैयार हो चुका है, प्याज हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे कुछ देर तक ठंडा होने देना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। फिलिंग हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हमें फिलिंग के छोटे छोटे बॉल्स बना करके रेडी कर लेने हैं। ठीक इसी तरह हम सारे के सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। इसे लोई की तरह गोल ना करें, लड्डू की तरह ही बांधें वरना ये बिखर जाएंगे। फिलिंग के बॉल्स बना करके मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें हमारे डो को थोड़ा सा मथ लेना है, कम से कम 2 मिनट तक, और 2 मिनट तक इसे गूंद लेने के बाद हमें इसकी कचौड़ी बना करके रेडी कर लेनी है। डो को थोड़ी देर गूंद लेने के बाद हमें इसमें से बड़ी सी लोई निकाल लेनी है। लोई को अंगूठे और हथेली की मदद से पतला करते जाना है, और पतला करने के बाद इसे हम हथेली में इस तरह से रखेंगे और इसके बीच में हम हमारी फिलिंग रख देंगे और धीरे धीरे इसे पैक करते जाएंगे। अगर आपको लगे इसमें थोड़ा सा एक्सेस मैदा है तो उसे पिंच करके हटा सकते हैं। और फिर से इसकी लोई बना करके हमें इसे बिल्कुल इसी तरह से पतला करते जाना है। और लीजिए दोस्तों, हमारी पहली कचौड़ी बन करके तैयार हो चुकी है। ठीक इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। कचौड़ियाँ हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं, अब हमें कचौड़ियों को तल लेना है। मैंने तेल पहले से चूल्हे पे चढ़ा रखा है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमें तेल में एक एक करके हमारी कचौड़ियाँ डाल देनी है। जितनी कचौड़ियाँ एक बार में आ जाए उतनी ही कचौड़ियाँ तेल में डाल दें, और बिल्कुल धीमे आंच पर हमें इसे सुनहरा होने तक तल लेना है। लीजिए दोस्तों, कचौड़ी को मैंने पलट पलट करके अच्छी तरह से तल लिया है, ये सुनहरी कलर की हो चुकी है। कचौड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तेल से बाहर आने को, तो हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और ठीक इसी तरह हम बाकी बचे कचौड़ियाँ हैं उसे भी इसी तरह से तल लेंगे। और लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी गर्मा गर्म और फूली फूली प्याज की कचौड़ी। इसे आप तीखी चटनी, मीठी चटनी और छोले के साथ सर्व करें और ख़ुद भी खाएँ और मेहमानों को भी खिलाएँ। प्याज की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।